गुड मॉर्निंग, सुबह का समय है और हम लोग अब तैयार होके धीरे धीरे लोहाघाट से निकलकर मायावती आश्रम की तरफ बढ़ने लगे हैं। मायावती आश्रम का रास्ता इतना सुंदर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप खुद देखिए, चारों तरफ से हरियाली हरियाली, जंगल जैसा रास्ता, पतला टेढ़ा मेढ़ा लेकिन अनुपम, इतना सुंदर, इतना रमणीय जिसकी मैं कल्पना कर नहीं सकती थी। तो मैंने उसे कोशिश किया है कि अपने मोबाइल में कैप्चर कर लूँ। सभी हम सब लोग मिलकर चल दिए हैं, धीरे 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 रास्ते का नज़ारा लेते हुए, रास्ते का मज़ा उठाते हुए। देखिए मायावती आश्रम की तरफ, आप खुद देखिए कि बहुत ही सुंदर जगह है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। पूरा का पूरा रास्ता मोबाइल में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया हुआ है। धीरे 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 हम पहुँच गए हैं मायावती के रास्ते में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत जगह है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, सिंगल रास्ता है, गाड़ी चलाने में थोड़ा सा तो दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग मैदान के हैं, पहाड़ के नहीं हैं, पर फिर भी यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आसानी से गाड़ी चलती जा रही है और हम लोग धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी महसूस कीजिए, रास्ते को देखिए। सुना था कि बहुत सुंदर जगह है। जैसे जैसे हम मायावती आश्रम के करीब पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे सच में उस चीज़ को हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं अपने वीडियो में। जो चंपावत से 22 किलोमीटर की दूरी पर और लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 940 वर्ग मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान है। ध्यान, योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म किसी के लिए जिसको ज़रूरत है वो आकर रह सकता है। मैं इस समय हॉस्पिटल के साइड पे खड़ी हुई हूँ। बड़ा ही सुंदर और दृश्य है। आप देखिए चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी और कटीले खेतों के बीच में सुंदर सा स्थान ये बना हुआ है। अगर आप इसकी खूबसूरती देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। इस समय मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, अभी चलते हुए ये गौशाला की तरफ मैं जा रही हूँ। मैं इस समय मायावती पहाड़ पर खड़ी हुई हूँ। ये मायावती यूपी वाली नहीं है, ये मायावती एक पहाड़ है जिस पर विवेकानंद जी के दो अंग्रेज शिष्य जो लंदन से आए और उन्होंने आकर इस रमणीय जगह को अध्यात्म का केंद्र बना दिया। इतना अच्छा बना दिया कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो मैंने सोचा नहीं था कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत वादियों का शहर, चारों तरफ से पहाड़, जंगल, हरा भरा, बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर आप आकर खुद को भूल जाएंगे, सारी टेंशन थकान सब भूल जाएंगे। आप यहाँ ध्यान कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का जो सुकून, जो चैन आपके जीवन से खो रहा हो आप उसे पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ आकर आप खुद से खुद की पहचान कर सकते हैं। कितना खूबसूरत और कितना रमणीय है जिसकी कल्पना कर नहीं सकते। जब आप यहाँ आएंगे और अपनी आँखों से देखेंगे और जो सुकून महसूस करेंगे उसकी कल्पना तो आप खुद फील कर सकते हैं। जैसे मैंने जो फील किया वो तो मैं महसूस कर पाई, वो तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? मई जून की
छुट्टियाँ होती हैं या कभी भी क्यों जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन घूमना ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, जीवन को पाने के लिए जीवन का सुकून भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में सुकून है, खुशियाँ, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे इस बार अच्छा लगा कि चंपावत के ज़िले के लोहाघाट इलाके में मैं आई। मैं काफ़ी प्लेस जा चुकी हूँ, मैं शिमला भी जा चुकी हूँ, मैं मंसूरी भी जा चुकी हूँ, मैं कुल्लू जा चुकी हूँ, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह मैं जा चुकी हूँ, इवन नैनीताल अब को कई बार मैं जा चुकी हूँ, और भी बहुत सारे पहाड़ी इलाकों को मैंने डलहौजी वगैरह सब जगह घूमा। लेकिन जब मैं यहाँ आई, लोहाघाट में आई, तो सच में जो डैम हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो फील की है। मतलब खाली पहाड़ नहीं, चारों तरफ से हरियाली है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा शहर है जो भीड़ भाड़ से एकदम अनोखा है, कि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में लोग आते नहीं हैं। जैसे कल मैं गई थी, मैं पंचमेश्वर गई, तो मैंने देखा कि सरयू नदी और काली नदी कितनी खूबसूरत ढंग से मिल रही है, इतना सुंदर रहा। धूप बहुत थी क्योंकि तराई इलाके में मैं गई थी, पर ये इलाका फिर शाम के वक्त का, तो यहाँ का मौसम अद्भुत था। जैसे शाम हुई तो मुझे लगा 4 बजे के करीब था, 4-4:30 के करीब, लेकिन बादल धीरे 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 आना शुरू हुए और बारिश शुरू हुई और फिर धीरे 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 कैसे बादल आ रहे थे, जा रहे थे, जैसे धुआं की तरह, और आके बारिश की, एकदम मौसम सुहाना हो गया। मतलब आप जून के महीने में यहाँ के मौसम को आप फील कर सकते हैं, डैम हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मायावती आश्रम मुझे आकर इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि अगर काश मुझे यहाँ रहने को मिल जाता, मैं थोड़ा लेट पहुँची, मैं बुक नहीं करा सकी, लेकिन अगर यहाँ रहने के लिए आपको 1 महीना रहना पड़ जाए, तो आप जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें, सब कुछ भूल जाएंगे। धन कमाना तो अलग बात है, पर खुशी पाना अलग बात है। तो मैंने खुशी पाई है, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। पूछ लो, तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, चुमुंदी हिला रही हो। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है ना, एंड जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, oh।
बस बहुत हो गया, आ जाओ आ जाओ, बस बहुत हो गया, आ जाओ।